चलिए दोस्तों, आज बात करते हैं इंडिया वर्सेस नीदरलैंड के बारे में। जैसे कि आप लोगों को पता है, इंडिया ने टॉस अपने नाम करते हुए बैटिंग को चुना। इंडिया की तरफ से रोहित शर्मा एंड केएल राहुल ओपनर बैट्समैन थे। उन दोनों के जोड़ी ने उतना खास प्रदर्शन नहीं दिखा पाए। 2/3 गेंद में भारत को एक नुकसान करना पड़ा केएल राहुल, जिन्होंने 12 गेंद में 9 रन लगाए थे। तीसरे स्थान पर विराट कोहली द किंग, जिसका प्रदर्शन पिछले मैच में बहुत ही बेहतरीन रहा है। 12 ओवर में भारत को और एक नुकसान करना पड़ा रोहित शर्मा, जिन्होंने 39 गेंद में 53 रन लगाए थे। चौथे स्थान पर सूर्य कुमार यादव। विराट कोहली एंड सूर्य कुमार यादव अच्छा प्रदर्शन दिखाते हुए भारत को 179/2 के नुकसान पर लेके गए। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज भारत के तीनों बल्लेबाज ने अर्धशतक पार कर दिए हैं और नीदरलैंड को 180 का टारगेट मिला। अगर नीदरलैंड का बात करें तो नीदरलैंड की तरफ से विक्रम सिंह एंड मैक्स दाऊद ओपनर बैट्समैन थे। 2 ओवर 2 गेंद में नीदरलैंड को भी एक नुकसान करना पड़ा विक्रम सिंह। बाकी बल्लेबाजों ने भी उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं दिखा पाए और नीदरलैंड को हार का सामना करना पड़ा। आज के मैच के कंक्लूजन देखा जाए तो भारत का प्रदर्शन नीदरलैंड के मुकाबले बहुत ही अच्छा रहा है। तीनों बल्लेबाज ने अर्धशतक पार करते हुए अपना नाम जीत के लिए दर्ज कर दिया। इसी तरह अपडेट पाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए क्रिकेट संग और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।